flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं BMW Z4। ये बहुत फेमस व्हीकल है BMW का, बहुत फेमस स्पोर्ट्स कार है BMW की। चाहे हम इसकी लुक्स की बात करें, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, हर पैरामीटर पे ये कार सुपर्ब है, अमेजिंग है। इसकी माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस के रीज़न की वजह से ही इस गाड़ी को सबसे ज़्यादा ख़रीदा जाता है। और इस गाड़ी का अगर आप किसी स्पोर्ट्स ग्रुप के मेंबर हैं तो आपके ग्रुप में Z4 ना हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये गाड़ी आपको फास्ट ट्रैक पे, रेसिंग ट्रैक्स पे भागती हुई ज़रूर दिखाई देगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस कार की हर डिटेल के बारे में, चाहे वो इसके लुक्स हैं, चाहे वो इसका इंटीरियर है, चाहे वो इसकी सेफ्टी है, चाहे वो इसका इंजन है, और फाइनली इसका प्राइस। हर चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी इस कार के फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में आपको बहुत स्मार्ट ग्रिल दी गई है अलॉन्ग विद दिस सिल्वर स्लिट्स। ये छोटे छोटे स्लिट स्ट्रक्चर बनाया गया जो बहुत अच्छा लग रहा है। क्रोम फिनिश से इसको सराउंड किया गया है दोनों साइड में। तो आपको जैसे BMW का किडनी ग्रिल स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा इसको स्टाइलिश और थोड़ा सा डिफरेंट बनाया गया है, क्योंकि ये व्हीकल रेसिंग है हमारा, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसको रेसिंग फील देने के लिए, स्पोर्टियर फील देने के लिए यहाँ पर छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं। छोटे मोटे नहीं, मुझे बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। अगर बात करते हैं आप इसके लाइट स्ट्रक्चर की, तो वो भी बहुत स्मार्ट दिया गया है। यहाँ पर LED हेडलैम्प्स का यूज़ किया गया है, एंड दीज आर अडेप्टिव हेडलैम्प्स। यहाँ पर आपको DRL का यूज़ दिखाई देगा, और ये जो लैम्प्स है ये सीरियसली बहुत स्टाइलिश है, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँगी ना कि फ्रंट प्रोफाइल को जो सबसे ज़्यादा एलिगेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या स्पोर्टीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मेनली आपको हेडलैम्प्स की वजह से ही लगेगा। साइड प्रोफाइल में आते ही सबसे पहले जो आपको इसकी अट्रैक्टिव चीज़ दिखाई देगी वो है इसके 18 इंचेस अलॉय व्हील्स, जो बहुत क्लासी डिज़ाइन के साथ आते हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। BMW का लोगो सेंटर में इसमें प्लेस किया गया, बहुत अच्छा दिख रहा है ये। और पीछे की तरफ आइए, यहाँ पर आपको एयर वेंट्स दिए गए हैं, एंड दीज आर ऑपरेशनल। ये आपको कार में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार एरोडायनामिक्स बेस्ड है, ये स्पोर्ट व्हीकल है, ये रेसिंग कार है, यहाँ पे आपको स्पीड की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली आपको हर पैरामीटर वो चाहिए जो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाए इन टर्म्स ऑफ रेस, इन टर्म्स ऑफ स्पीड। तो एरोडायनामिक्स का बहुत ध्यान रखा गया है इसमें। यहाँ पर आपको ORVM दिया गया है अलॉन्ग विद द LED स्ट्रिप, जो आपका टर्न इंडिकेटर का काम करती है। और जो ORVM के अंदर ये हल्के हल्के सेगमेंट्स हैं, अगेन इसके डिज़ाइन को एनहांस कर रहे हैं। कार के अंदर जहाँ पर भी कंपनी को लगा ना कि हम स्पोर्टीनेस को ऐड कर सकते हैं, उन्होंने मिस नहीं किया है, चाहे हम इतने छोटे सेगमेंट के ऊपर डिज़ाइनिंग की बात ही क्यों ना करें। और आइए पीछे, यहाँ पर इसके डोर हैंडल हैं, ये बॉडी कलर में ही आते हैं आपके। यहाँ पर इसका फ्यूल टैंक प्लेस किया गया, मींस ड्राइवर साइड पे इसका फ्यूल टैंक है। अब आइए कार के पीछे चलते हैं, बैक प्रोफाइल की बात करते हैं। बैक प्रोफाइल की अगर आप बात करते हैं किसी भी रेसिंग कार में, तो देखिए जितनी स्मार्ट ये गाड़ियाँ फ्रंट से होती है उतनी ही स्मार्ट ये बैक से होती है। बहुत स्मार्ट कार है ये, फुल ऑन स्पोर्टियर लुक के साथ है। आपको पता चलता है गाड़ी को देखते ही कि यस, स्पोर्ट्स व्हीकल है ये, रेसिंग कार है आपकी। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने अभी इसका रूफ ओपन किया हुआ है, आपको लुक से ही आइडिया हो जाएगा कि स्पोर्ट्स कार खड़ी है आपकी। बैक प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ब्रेक लाइट दी गई है, ये BMW का लोगो आपको दिया गया है। LED टेल लैंप्स इसमें मिल जाते हैं आपको। S Drive 20i ये मॉडल है, इसके अंदर दो वेरियंट्स आते हैं, वन इज़ S Drive 20i, अदर वन इज़ M40i। इस वाले वेरिएंट के अंदर M40i से पावर कम होती है, और ये गाड़ियाँ सिर्फ आपको पेट्रोल के अंदर मिलती है, डीजल में नहीं आती हैं। 20i आपको 4-सिलेंडर इंजन के साथ मिलेगी, और अगर आप 40i लेते हैं तो वहाँ पर आपके सिलेंडर हो जाएंगे 6,
V6 इंजन के साथ वो आती है। अगर आप 4-सिलेंडर इंजन की बात करते हैं, जो ये पर्टिकुलर मॉडल है S Drive 20i, तो यहाँ पर आपको पावर मिलती है 194 BHP की अलॉन्ग विद द टॉर्क ऑफ 320। और अगर आप लेते हैं M40i तो वहाँ पर आपकी पावर भी बढ़ जाएगी और टॉर्क भी बढ़ जाएगा। पावर आपकी वहाँ पर मिलेगी 375 BHP की और टॉर्क वहाँ पर हो जाएगा आपका 500 न्यूटन मीटर का। अगर आप माइलेज की बात करेंगे इसमें तो 20i की माइलेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 40i, क्योंकि यहाँ पे इंजन छोटा है इसलिए। और यहाँ पर मेंशन किया गया है Z4 जो इस गाड़ी का नाम है। BMW के लोगों के नीचे आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है, आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आपको अगर अपनी गाड़ी को टो करवाना है तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। ड्यूअल एग्जॉस्ट आपको दिए गए हैं नीचे की साइड में। ये बैक लाइट आपके पास दी गई है, ये आपके रिफ्लेक्टर्स हैं। इन टोटल अगर आप बात करेंगे कार के एक्सटीरियर लुक की, कार बहुत क्लासी लगती है। इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, कन्वर्टिबल व्हीकल है तो आप इसको ओपन में भी ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप पूरा बंद करके क्लोज करके फिर इसकी ड्राइव को एंजॉय कर सकते हैं। बीइंग अ स्पोर्ट्स व्हीकल आपको अच्छा खासा इसमें बूट स्पेस मिलता है, अनलाइक अदर कार्स। कई कार्स में आपको पता है जैसे कि जो हमारा बूट स्पेस है वो आगे की तरफ प्लेस किया जाता है और जो आपका इंजन होता है वो बैक साइड पर होता है, ये इसका प्लेसमेंट नॉर्मल कार्स की तरह है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। बूट आपका पीछे ही दिया गया है और बाकी आपका इंजन आगे ही प्लेस किया गया है, एंड डिसेंट साइज बूट स्पेस इज गिवन। अब आइए चलते हैं इस कार के इंटीरियर में, जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इस व्हीकल का। गाड़ी के अंदर जाने से पहले इसका डोर देख लीजिए। जो मेन अट्रैक्शन इसमें आपको मिलेगा वो है इसका बहुत क्लासी कलर कॉम्बिनेशन, ब्लैक एंड अ बिट ऑफ ऑरेंज मैं से बोलूँगी, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है। मैक्सिमम जगह पर यहाँ पर सॉफ्ट टचेस का यूज़ किया गया है, मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक है एंड एवरीथिंग इज़ ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। यहाँ पर आपको लॉक का ऑप्शन मिलता है, अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है, सिल्वर डोर हैंडल मिल रहा है, मेमोरी सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, नीचे आपके पास पावर विंडो का ऑप्शन है। दोनों विंडोज़ आपकी सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ आती है, एंटी पिंच के साथ आती है। ये आपके पास ORVM कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्पीकर है, दिस इज़ योर ट्विटर। कार के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आप फील करेंगे वो है कंफर्ट, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है ये। जो आपकी सीट्स हैं वो आपको ऐसा फील होता है कि फुल ऑन आप ग्रैब हो गए हैं, चाहे आप बॉलस्टर्स की बात करेंगे, पैरों में यहाँ पे बात करेंगे, हर जगह से आप ग्रैब्ड सा फील करते हैं, क्योंकि जो रेसिंग व्हीकल होते हैं ना वहाँ पर आपको सेफ्टी फील करना बैठ करके, हाँ यार आप बहुत स्पीड में क्योंकि इस गाड़ी को चलाने वाले हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो फील आपको सीट से देना शुरू कर देती है। उसके बाद अगर मैं फ्रंट की बात करूँगी तो यहाँ पर लेदर रैप स्टेयरिंग दिया गया है आपको, 3-स्पोक स्टेयरिंग है ये। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, राइट हैंड साइड में आपको वॉइस कमांड दिया गया है, अपने फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और अपने MID को आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। सामने की साइड में मेरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ मेरी स्पीड दिखाई दे रही है, RPM रीडिंग्स दिखाई दे रही है, कार से रिलेटेड बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगी, चाहे वो आपका टायरट्रॉनिक्स है, चाहे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी है, आपका ट्रिप है, रेंज है, एवरीथिंग इज शोन वेरी क्लियरली। ये लीवर आपका वाइपर के लिए दिया गया है, ये जो आपको पैनल दिया गया है ये लाइट कंट्रोल के लिए दिया गया है। यहाँ से आप इस रोलर से आपकी कार में जितने भी डिस्प्ले हैं उनकी लाइट इंटेंसिटी को अप और लो कर सकते हैं। सामने की साइड में इसका बहुत स्मार्ट सा इंफोटेनमेंट सिस्टम प्लेस किया गया है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपके पास बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं आपसे कार से रिलेटेड जिनको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मेनली हम बात करते हैं यहाँ पर ड्राइविंग मोड्स की, यहाँ पर दो ड्राइविंग मोड आपको मिल जाते हैं, वन इज़ स्पोर्ट, वन इज़ ईको। सपोज़ मैंने इसको स्पोर्ट पर ही कर रखा है अभी इस टाइम पर, और इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी लाइक दिस, कि मैं अपना स्टेयरिंग सेट कर सकती हूँ इसमें, इंजन को अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ, ट्रांसमिशन को अपने अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। ये देखिए इसके अंदर दिया गया है, ट्रांसमिशन आपको स्पोर्ट प्लस पे चाहिए, स्पोर्ट चाहिए, कंफर्ट चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद भी गाड़ी की बहुत सारी सेटिंग्स हैं जो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। मीन्स इन अदर वर्ड्स यू कैन से दिस व्हीकल इज़ लोडेड विद लेटेस्ट टेक, जो भी आजकल की कार्स में आपको चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो भी रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपको AC वेंट्स दिए गए हैं, इनके कंट्रोल दिए गए हैं, नीचे की साइड में आपको बटन्स दिए गए हैं, ये रेडियो बटन्स हैं एंड दीज आर टच। देखिए वॉल्यूम नॉब हमेशा मैं कहती हूँ कि ये मैनुअल होना चाहिए, स्क्रीन पे या टच अगर वो दिया जाता तो वो थोड़ा सा अनईजी होता है वाइल्ड ड्राइविंग। चलिए अब इसके अंदर देखते हैं, यहाँ पर आपको छोटा सा स्पेस दिया गया, अपना फ़ोन रख सकते हैं आप यहाँ पर, आपको लाइटर मिल जाता है या फिर इसको आप 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट की तरह यूज़ कर सकते हैं, USB पोर्ट आपको दिया गया है और ये एक छोटा सा एस्ट्रे आपको यहाँ पर मिल जाता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल्स आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं, आप अपना जो भी आपको मोड में जाना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं
और इनकी हेल्प से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसको यहाँ देने का पर्पज़ ये है कि जब आप गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो आपको बार बार यहाँ पे हाथ ले जाके सेटिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या अपने पर्टिकुलर मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली हाथ यहाँ पर रखिए और इनसे अपना जो भी आपको चूज़ करना है, सेलेक्ट करना है, बटन्स की हेल्प से आप कर सकते हैं और यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। ये बटन आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए दिया गया है, ये पार्किंग सेंसर्स के लिए दिया गया है, ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। यहाँ पर डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स आपको मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स, कम्फर्ट, इको प्रो, ये आपका ऑटो होल्ड है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है, ये कन्वर्टेबल व्हीकल है तो इसको आप पूरा ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका रूफ, डाउन करेंगे तो आपका रूफ क्लोज हो जाएगा। तो देखिए आपकी कार पूरी पैक हो चुकी है, आपके ग्लासेस ऊपर हो चुके हैं और फुल ऑन ये व्हीकल अब आपका क्लोज है। अब कैबिन के अंदर ऐसा आपको ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, लेकिन ये गाड़ियाँ प्रेफर की जाती हैं ओपन सनरूफ के साथ लाइक दिस। सबसे पहले आपके ये ग्लासेस खुल जाएंगे और उसके बाद आपकी छत भाग जाएगी। बट इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो आप इसको बंद करके चलाइएगा, अदरवाइज़ तो आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा है, 15-20 मिनट में कुछ अजीब से ही हो जाओगे आप या फिर बिना नहाए जाओ घर से, नहीं तब भी बड़े गंदे हो जाओगे आप। तो ये जब आप रेसिंग ट्रैक पर हो तब अच्छा है, लेकिन नॉर्मली यूजुअली इसको बंद करके ड्राइव किया जाता है, वही रिकमेंडेड है और वो अच्छा भी है। यहाँ पर इसका हैंड रेस्ट है, इसके अंदर आपको ट्विन कप होल्डर मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आप अपना कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। ये आपका ग्लव बॉक्स है जो आपका लॉक ऑप्शन के साथ आता है और इसके अंदर भी डिसेंट स्टोरेज है। पीछे की साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मैश लगाया गया है, कुछ सामान आपको रखना है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये छोटी सी ओपनिंग आपको दी गई है, छोटा सा स्टोरेज इनफैक्ट है, या कुछ छोटा मोटा सामान रखना चाहते हैं रख सकते हैं आपका। यहाँ पे बैक साइड पे आपके स्पीकर, ट्विटर यहाँ पे भी प्लेस किए गए हैं। बहुत अच्छा म्यूज़िक सिस्टम है BMW का, तो इन चीज़ों में तो हम इसको कहीं पर भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इन टोटल अगर मैं बात करूँ इस व्हीकल के लुक का, तो यस नो डाउट एक ही वर्ड आपके मुंह से निकलेगा, दैट इज़ फैबुलस। अब बात करते हैं इस कार के इंजन की। ये कार आपको दो वेरियंट्स के अंदर मिलती है, वन इज़ एस ड्राइव 20i जिसके अंदर 4-सिलेंडर इंजन का यूज़ किया गया है, अदर वन इज़ M40i जिसके अंदर 6-सिलेंडर का यूज़ किया गया है। तो जो आपका 20i है उसके अंदर पावर थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू 40i। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसकी सेफ्टी की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली इन रेसिंग कार्स। तो यहाँ पर इस कार ने स्कोर किया है 5 स्टार इन NCAP यूरो रेटिंग। दूसरा हम इसमें बात करते हैं एयरबैग्स की, कितने एयरबैग आते हैं इस गाड़ी के अंदर। इस कार के अंदर आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे। ये गाड़ी ABS के साथ आपको मिलती है, स्टेबिलिटी प्रोग्राम के साथ मिलती है, EBD इसके अंदर दिया गया है। फ्रंट और बैक में आपको डिस्क ब्रेक दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, मीन्स सेफ्टी रिलेटेड जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं उन सब चीज़ों से पैक्ड है ये व्हीकल। आपको ये फुल ऑन ये कॉन्फिडेंस देती है कि बहुत सेफ व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं। इस कार के अंदर एक्सीडेंट तो देखिए बहुत ज़्यादा, हम ये नहीं बोलते कि गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस नहीं होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन कंपनीज़ अपनी तरफ से बहुत पैरामीटर्स को लेकर चलती है, बहुत सारे क्रैश टेस्ट होते हैं, वहाँ पर ये गाड़ी बहुत अच्छा स्कोर करती है। लेकिन अगर आप ओवर स्पीड के अंदर ही हैं तो वहाँ पर हर पैरामीटर हिल जाता है, चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आपको हमेशा सजेस्ट करते हैं हम कि गाड़ी को प्लीज़ थोड़ा लिमिट में चलाइए, चाहे वो रेसिंग व्हीकल है चाहे वो नॉर्मल व्हीकल है। जहाँ पर ट्रैक्स हैं प्रॉपर इनके लिए वहाँ तो भगाइए दौड़ाइए, लेकिन सिटी के अंदर थोड़ा देख कर। अब बात करते हैं इस कार के प्राइस की। अगर आप बात करेंगे एस ड्राइव 20i की तो ये गाड़ी आपको 80 लाख की पड़ेगी, और अगर आप जाते हैं M40i पे तो वो गाड़ी आपको 95 लाख की पड़ेगी। ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताए हैं दीज आर ऑन रोड गुड़गांव रजिस्ट्रेशन के साथ। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी अमेजिंगली स्टनिंग कार BMW Z4। बहुत सुपीरियर कार है, अमेजिंग कार है। अगर आप स्पोर्ट्स कार को कंसिडर करने का सोच रहे हैं, नेक्स्ट परचेज के मूड में हैं, तो BMW Z4 को एक ट्राई ज़रूर दीजिएगा। इसको Z4 भी बोलते हैं, Z4 भी बोलते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आई थिंक
कभी कुछ बोला है कभी कुछ बोलिए, आप एडजस्ट कर लेना दोस्त। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल, बाय। Flow like water, so I'm going mainstream.